हेलो गाइस, वेलकम टू टी वाई जी वर्ल्ड। आज हम यहाँ कैमरा कंपैरिजन कर रहे हैं रेडमी वाई टू का एसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 के साथ। अगर हम यहाँ कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात करें तो दोनों में ही आपको डुअल कैमरा सेटअप रेयर में मिल रहा है, जिसमें रेडमी वाई टू में आपको 12+5 MP का डुअल कैमरा सेटअप मिल रहा है, जबकि ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 में आपको 13+5 MP का डुअल कैमरा सेटअप मिल रहा है। अगर हम यहाँ एल्गोरिदम की बात करें तो जैसे ही हम पोर्ट्रेट मोड स्विच करते हैं Y2 में, ये 1.5x जूम के साथ लो रेजोल्यूशन की इमेजेस कैप्चर करने लगता है, यानी कि 2064x2752 5.6 MP की ये इमेजेस कैप्चर करता है, जबकि ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 यहाँ पे 13 MP की इमेजेस कैप्चर करता है। रेजोल्यूशन में आप डिफरेंस देख सकते हैं, कुछ इस तरह का है। साथ में यहाँ पे पोजीशन का भी डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 1.5x जूम के कारण आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का डिफरेंस है। तो इसे मेंटेन करने के लिए हम या तो आपको ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 की इमेज को क्रॉप करके शो करेंगे, या फिर दोनों की डिस्टेंस मेंटेन करके सेम पोजीशन पे लेके आएंगे इमेजेस को और आपको शो करेंगे। इसके अलावा ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 में आपको एपेचर वेरी करने का भी ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप ये डिसाइड कर सकते हैं आपको कितना वाइड एपेचर रखना है, बैकग्राउंड को कितना ब्लर रखना है, आप ये डिसाइड कर सकते हैं ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 में। इस वीडियो में हम आपको दोनों ही कैमरों के पोर्ट्रेट मोड शॉट्स दिखाएंगे, यानी फ्रंट कैमरे और रियर कैमरे में किस तरह से पोर्ट्रेट मोड में इमेजेस कैप्चर कर रहे हैं डिफरेंट सिचुएशन में, यानी कि आइडियल लाइटिंग कंडीशन, डायरेक्ट सनलाइट कंडीशन, ब्राइटर बैकग्राउंड सिचुएशन, आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन, लो लाइट कंडीशन, और साथ में वीडियो फुटेज भी हम यहाँ कंपेयर करते हुए चलेंगे। अगर हम यहाँ आइडियल कंडीशन की इमेजेस की बात करें तो कुछ ऐसी सिचुएशंस हमें मिली जहाँ दोनों ने ही परफेक्ट डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट करी, परफेक्ट शॉट लिए हैं और डिटेल भी काफी अच्छी कैप्चर कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ही काफी अच्छे से पोर्ट्रेट मोड कैप्चर कर रहे हैं, यहाँ पे डिटेल कैप्चर करने में दोनों को प्रॉब्लम नहीं जा रही है। अगर हम यहाँ डिफरेंस की बात करें तो थोड़ा सा कलर रिप्रोडक्शन में डिफरेंस हमें देखने को मिला। आप देख सकते हैं आइडियल कंडीशन यानी कि जब बैकग्राउंड में ब्राइटनेस लेवल नहीं है और ऑब्जेक्ट में परफेक्ट लाइट पड़ रही है, तो यहाँ पे ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 थोड़े कूल टोन में इमेज कैप्चर करता हुआ नजर आ रहा है, जबकि Y2 यहाँ पे थोड़े वार्म टोन में इमेज कैप्चर करता हुआ नजर आ रहा है। उसके अलावा दोनों ही इन कंडीशंस में काफी अच्छी इमेजेस कैप्चर कर रहे हैं। हम यहाँ पे डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट सिचुएशंस में इमेजेस कंटिन्यू कैप्चर करते चले गए तो हमें डिफरेंस क्रिएट होता नजर आया। सबसे पहले डिफरेंस की बात करें तो वो था डिटेल कैप्चर करने में। कुछ सिचुएशन में तो दोनों ने लगभग सिमिलर डिटेल कैप्चर करी, लेकिन 70% इमेजेस में ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 ने ज्यादा डिटेल कैप्चर करी है, यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल कैप्चर करने में साफ साफ डिफरेंस हमें नजर आ रहा है। रेडमी Y2 को डिटेल कैप्चर करने में प्रॉब्लम तो जा रही है, जब हमने रेडमी नोट 5 प्रो से भी इसे कंपेयर किया था तो इसे डिटेल कैप्चर करने में प्रॉब्लम जा रही थी, जबकि दोनों का कैमरा सेटअप बिल्कुल सिमिलर है, यानी 12+5 MP का ही है, 12 MP से ही काफी अच्छी इमेजेस कैप्चर कर सकता है, काफी अच्छी डिटेल कैप्चर कर सकता है, लेकिन पोर्ट्रेट मोड में इसे डिटेल कैप्चर करने में बहुत प्रॉब्लम जा रही है कुछ सिचुएशंस में। इसके अलावा अगर हम यहाँ बात करें कलर रिप्रोडक्शन की तो कलर रिप्रोडक्शन में हमें थोड़ा मिक्स रिजल्ट मिला। ये कंपैरिजन पूरी तरह आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको यहाँ जज करना है और कमेंट कीजिए और हमें बताइए आप किसकी इमेजेस यहाँ प्रेफर करना पसंद करेंगे। इसके बाद अगर हम यहाँ डायरेक्ट सनलाइट कंडीशन की इमेजेस की बात करें, यानी सन की रेस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर पड़ रही थी और हम पोर्ट्रेट मोड में इमेजेस कैप्चर कर रहे थे, यहाँ पे हमें डिफरेंस क्रिएट होता नजर आया। एक तो डिटेल ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 ज्यादा कैप्चर कर रहा था Y2 से, और साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हम डायरेक्ट सनलाइट कंडीशन में इमेजेस कैप्चर कर रहे हैं तो थोड़े सैचुरेटेड कलर शो कर रहा है यहाँ पे ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 और थोड़े वार्म टोन में आ चुका है, जबकि कंपैरिजन वाइज Y2 यहाँ पे क्लोज टू नेचुरल इमेजेस तो कैप्चर कर रहा है, लेकिन ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 के सामने ये थोड़ी डल लग रही है। अगर मैं आई कैचिंग इमेज की बात करूं तो डेफिनेटली ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 यहाँ आई कैचिंग इमेजेस कैप्चर कर रहा है, यानी जिसे ज्यादातर लोग प्रेफर करना पसंद करेंगे। इसके बाद जब हमने आइडियल कंडीशन में पिंक शेड के साथ इमेजेस कैप्चर करी तो हमें डिफरेंस क्रिएट होता नजर आया कलर रिप्रोडक्शन में। आप देख सकते हैं जब हम पिंक कलर की शेड के साथ आइडियल कंडीशन या डायरेक्ट सनलाइट कंडीशन किसी भी कंडीशन में इमेजेस कैप्चर कर रहे हैं तो ये पिंक कलर को फेड कर रहा है। ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 पिंक कलर को फेड कर रहा है और साथ में स्किन है उसे ब्राइट टोन में रिप्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का डिफरेंस आता हुआ नजर आ रहा है जब हम पिंक कलर की शेड के साथ डायरेक्ट सनलाइट कंडीशन या आइडियल कंडीशन में इमेजेस कैप्चर कर रहे हैं। और यही डिफरेंस हमें अपडेट के पहले भी देखने को मिला था और अपडेट के बाद, यानी ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 की अपडेट के बाद भी ये इशू अभी रिजॉल्व नहीं हुआ है। यानी जब आप पिंक कलर की शर्ट के साथ डायरेक्ट सनलाइट कंडीशन या आइडियल कंडीशन में इमेजेस कैप्चर करेंगे तो ये पिंक कलर को फेड करेगा थोड़ा, जबकि आप देख सकते हैं Y2 यहाँ पे ज्यादा एक्यूरेट कलर शो कर रहा है। हालांकि अगर हम यहाँ डिटेल कैप्चर करने की बात करें तो डिटेल ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 ही ज्यादा कैप्चर कर रहा है इन सिचुएशंस में, लेकिन कलर रिप्रोडक्शन का कुछ इस तरह का डिफरेंस हमें देखने को मिला डायरेक्ट सनलाइट कंडीशन की बात करें या फिर आइडियल कंडीशन की बात करें। अगर हम यहाँ एज डिटेक्शन एल्गोरिदम की बात करें यानी कि नॉइस की बात करें तो वैसे तो हमने काफी इमेजेस कैप्चर करी और कुछ ही इमेजेस में हमें नॉइस देखने को मिली। अगर हम यहाँ ऑब्जेक्ट और कैमरे के बीच में डिस्टेंस मेंटेन करके इमेजेस कैप्चर कर रहे हैं, यानी कि थोड़े दूर से इमेजेस कैप्चर कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं दोनों ही परफेक्ट डेप्थ ऑफ फील्ड यहाँ क्रिएट कर रहे हैं और डिटेल भी काफी अच्छी कैप्चर
कर रहे हैं। कंपैरिजन वाइज Zenfone Max Pro थोड़ी ज्यादा डिटेल कैप्चर कर रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे एज डिटेक्शन दोनों का ही बहुत एक्यूरेट हमें लगा। हमने बहुत टफ सिचुएशन भी क्रिएट करी और हमें ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। तो आप यहाँ देख सकते हैं Zenfone Max Pro में नॉइस आ रही है तो Y2 में भी नॉइस आ रही है, और अगर Y2 में नॉइस आ रही है तो Zenfone Max Pro में भी नॉइस आ रही है, यानी कि एज डिटेक्शन लगभग दोनों का हमें सिमिलर लगा और काफी एक्यूरेट लगा। आपको बहुत ही रेयर कंडीशंस मिलेंगी जहां आपको एज डिटेक्शन में कोई प्रॉब्लम मिले। आप देख सकते हैं हमने यहां पे एसेसरीज यूज करके भी इमेजेस कैप्चर करी, यही देखने के लिए कि एज डिटेक्शन किस तरह का है। कुछ सिचुएशन में वैसे Y2 को स्ट्रगल करना पड़ा, कुछ सिचुएशन में Zenfone Max Pro को स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन ओवरऑल दोनों का ही एज डिटेक्शन बहुत एक्यूरेट है और लगभग सिमिलर है। इसके बाद अगर हम यहाँ आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन की बात करें तो आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन में वैसे तो इमेजेस दोनों ही काफी अच्छी कैप्चर कर रहे थे, लेकिन अगर हम यहाँ कलर रिप्रोडक्शन की बात करें तो कलर रिप्रोडक्शन आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन में सिचुएशन के हिसाब से Y2 ज्यादा एक्यूरेट कर रहा था, लेकिन डिटेल यहाँ पे Zenfone Max Pro M1 ज्यादा कैप्चर करता हुआ नजर आया। यानी कलर रिप्रोडक्शन का अगर आपको डिफरेंस देखना है तो Y2 ज्यादा एक्यूरेट कलर रिप्रोड्यूस कर रहा था आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन में, यानी कि जो सिचुएशन थी उसको जस्टिफाई Y2 की इमेज कर रही है कलर रिप्रोडक्शन में, जबकि डिटेल कैप्चर करने में Zenfone Max Pro M1 ज्यादा आ गया है यहाँ पे। इसके बाद अगर हम यहाँ फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट कैमरे में वैसे तो स्पेसिफिकेशन में दोनों के काफी डिफरेंस है। Redmi Y2 में आपको 16MP का फ्रंट कैमरा मिल रहा है विद 4-in-1 सुपर पिक्सल्स, जबकि Zenfone Max Pro M1 में आपको 8MP का फ्रंट कैमरा मिल रहा है। अगर हम यहाँ फ्रंट कैमरे के रेजोल्यूशन के डिफरेंस की बात करें तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का रेजोल्यूशन का डिफरेंस है। 16MP की इमेजेस यहाँ पे Y2 कैप्चर कर रहा है और 8MP की इमेजेस यहाँ पे Zenfone Max Pro M1 कैप्चर कर रहा है। जब हम पोर्ट्रेट मोड फ्रंट कैमरे से कैप्चर कर रहे थे तो हमें एक प्रॉब्लम Zenfone Max Pro M1 में नजर आई, यानी कि ये प्रॉब्लम थी डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट करने की या फिर पोर्ट्रेट मोड में बैकग्राउंड को ब्लर करने की। जब हम मिरर्ड सनग्लासेस यूज कर रहे थे तो Zenfone Max Pro M1 को पोर्ट्रेट मोड में बैकग्राउंड ब्लर करने में बहुत प्रॉब्लम जा रही थी, यानी कि ये कर ही नहीं रहा था बैकग्राउंड ब्लर, ये फेस डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा था जब हम मिरर्ड सनग्लासेस लगा रहे थे। जब हम नॉर्मल सनग्लासेस लगा रहे थे तो ये फेस डिटेक्ट कर ले रहा था, या फिर सनग्लासेस हटा रहे थे तो ये फेस डिटेक्ट कर ले रहा था, लेकिन मिरर्ड सनग्लासेस में आप यहाँ देख सकते हैं ये फेस डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो कुछ इस तरह का हमें यहाँ डिफरेंस देखने को मिला जब हम मिरर्ड सनग्लासेस लगा के इमेजेस कैप्चर कर रहे थे पोर्ट्रेट मोड में फ्रंट कैमरे से। इसके अलावा अगर हम यहाँ फ्रंट कैमरे के दोनों के एल्गोरिदम की बात करें तो Redmi Y2 यहाँ पे बैकग्राउंड को थोड़ा ओवर एक्सपोज करता हुआ नजर आ रहा है कुछ सिचुएशन पे, यानी ब्राइटर लाइटिंग कंडीशन में ज्यादातर ये बैकग्राउंड को ओवर एक्सपोज कर ले रहा है, लेकिन मेन ऑब्जेक्ट की डिटेल काफी अच्छी कैप्चर कर रहा है। अगर मैं Zenfone Max Pro M1 की बात करूँ तो यहाँ पे कलर्स को थोड़ा सा डल करता हुआ तो नजर आ रहा है, लेकिन ये भी काफी अच्छी इमेजेस कैप्चर कर रहा है। टक्कर तो दे रहा है लेकिन उतनी हद तक टक्कर नहीं दे पा रहा फ्रंट कैमरे में। यानी अगर हम यहाँ फ्रंट कैमरे की बात करें, पोर्ट्रेट मोड की बात करें या एज डिटेक्शन की बात करें तो हर फील्ड में Y2 यहाँ आगे है। फ्रंट कैमरे में Y2 क्लियर विनर है पोर्ट्रेट मोड में। अगर आपको फ्रंट कैमरे बेस्ड मोबाइल लेना है तो आप Zenfone Max Pro M1 मत लीजिए, क्योंकि इसका फ्रंट कैमरा शुरू से अच्छा नहीं है और अभी तक भी इतना अच्छा नहीं हुआ है। 1080p 30fps में वीडियो कैप्चर कर रहे हैं दोनों ही मोबाइल के फ्रंट कैमरे से। दोनों ही मोबाइल के फ्रंट कैमरे में आपको 1080 यानी कि फुल HD 30fps तक का वीडियो कैप्चर करने का ऑप्शन मिल रहा है, और साथ में Y2 में आपको स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन स्क्रीन पर तो नहीं दिख रहा है स्टेबलाइज होता हुआ। बाकी अगर हम यहाँ आपको स्पीड बढ़ा के बताएं तो आप यहाँ कमेंट करके बताइए कि दोनों में से कौन यहाँ पे स्टेबलाइज कर रहा है, यानी कि कंपैरिजन वाइज कौन ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहा है। इसके अलावा अगर हम यहाँ डायनेमिक रेंज बैलेंस टेस्ट करने की बात करें, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सिचुएशन कंटिन्यू हम चेंज करते जा रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे डायनेमिक रेंज बैलेंस टेस्ट की बात करें या फिर सिचुएशन को किस तरह से हैंडल कर रहे हैं तो ये आप कमेंट करके हमें बताइए। अब हम यहाँ पे 1080p 30fps में वीडियो कैप्चर कर रहे हैं। वैसे तो Asus Zenfone Max Pro में आपको 4K DCI तक का ऑप्शन मिलता है, यानी कि 4K USD के ऊपर आपको 4K DCI तक का ऑप्शन मिल रहा है वीडियो रिकॉर्डिंग का, लेकिन यहाँ पे आपको EIS नहीं मिल रहा अभी तक। काफी अपडेट आ चुकी है लेकिन EIS का भी कोई ऑप्शन हमारे पास Zenfone Max Pro M1 में नहीं आया है, जबकि Y2 में आपको EIS का ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन यहाँ पे आपको मिल रहा है, इसलिए ये वीडियो आपको ज्यादा स्टेबलाइज ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको कमेंट करके बताना है कौन कितना स्टेबलाइज कर रहा है। अगर मैं स्पीड बढ़ाऊं, इसके अलावा प्राइमरी कैमरे का कंपैरिजन हम बहुत ही जल्द अपलोड कर देंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड वोट भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग TYJ वर्ल्ड।